अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी, फुल फ्लैट। इसमें फॉल्ट ये है कि इसकी ऑडियो नहीं आ रही। ये देखें, वॉल्यूम इसका 100 पर है और इसको मैं रिसीवर पर चेक कर रहा हूँ, उसका भी वॉल्यूम 100 पर है, ठीक है, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या इसके स्पीकर ख़राब है या किट में कोई और फॉल्ट है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। अब इसकी सबसे पहले तो हम इसके स्पीकर चेक करेंगे, क्या इसके स्पीकर ख़राब हैं या इसके नीचे किट में फॉल्ट है, ठीक है जी। इसके वजन मैंने ये स्पीकर चेक किए हैं, ये भी और ये वाला भी, दोनों इसके स्पीकर तो इसके ठीक हैं। ये फॉल्ट हमारा इसके बोर्ड में आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने ये चेक करना क्या इसका आईसी ख़राब है या इसमें और कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ रही। स्पीकर तो इसके क्लियर हो चुके हैं कि स्पीकर इसके ठीक है। अब मैं इसके सबसे पहले तो इसके आईसी के वोल्टेज चेक करता हूँ। नीचे से ये मैंने स्पीकर अलग लगा दिया इसको, ये इसके वोल्टेज तो इसको मिल रहे हैं, ठीक है जी। ये इस जगह पर इसने ग्राम देनी थी, ठीक है जी, वो इसके आगे जानी थी, वो इसकी काम नहीं कर रही, ठीक है। अब ये हमने करना है कि इसकी ये ग्राम को मज़ीद टेस्ट करने के लिए इस जगह से ये वाला जो कैपेसिटर इसको ओपन कर देंगे, ठीक है जी। ओपन करने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि क्या यह ग्राम ठीक दे रहा है या नहीं ठीक दे रहा, ठीक है जी। अगर ग्राम ठीक दे रहा होगा तो हमारे पास जो ऑडियो की पिन है रिसीवर की, वो उसके ऊपर लगाकर चेक कर लेंगे क्या उससे हमारे ये ऑडियो दे रहा है कि नहीं दे रहा। यस का ये अब इसमें ये ऑडियो बिल्कुल नहीं दे रहा अब लगाने पर भी, ठीक है। हालांकि इसको इस जगह पर लगाने पर इसने आवाज़ देनी थी, ठीक है जी, लेकिन ये आवाज़ नहीं दे रहा, इसका ऑडियो ही काम नहीं कर रहा। मज़ीद तसल्ली करने के लिए यह इसका पॉइंट मैं ओपन करने लगा हूँ, इसके बाद आगे चेक करते हैं। ये वाला मैंने इसका पॉइंट ओपन कर दिया, ठीक है जी। ओपन करने पर ये आप ग्राम भी इसके सुन सकते हैं, ये अब इसने ग्राम देनी शुरू कर दिए, ठीक है जी। अब हमने ये करना कि ये वाला इसका कैपेसिटर लगकर इस जगह पर आ रहा है, ये इसका ट्रांसिस्टर इसमें आ रहा है, ठीक है जी। इस ट्रांसिस्टर को अब हम निकाल देंगे, ठीक है जी। इसके निकालने से ये कि ये इसकी बेस पर आ रहा है, बेस के ये एमीटर के साथ शार्ट हो रहा है, इसलिए ये इसकी ग्राम बंद हो रही है, इसलिए ठीक है जी। इसको मैं अब ये इसका ट्रांसिस्टर निकालने लगा हूँ, उसके बाद आगे इसका चेक करता हूं क्या इससे निकालने से ये हमारा टीवी ठीक होता है कि नहीं होता। ये मैंने इस जगह से ट्रांसिस्टर जो निकाला है उसका नंबर ये वाला जी C1815, ठीक है जी। इस जगह से मैंने ये निकाला है। अब मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ इस पॉइंट को, और उसके बाद चेक करता हूँ क्या इससे आवाज़ हमारी अब ये लीडों से है, ये इस जगह से ये पिने लग रही हैं, इनसे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ये अब इसकी आवाज़ आना शुरू हो चुकी है जी, ठीक है जी। जो पहले इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी वो अब देख, ठीक है जी, ये इसकी अब आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। ये इसमें फॉल्ट सिर्फ इस ट्रांसिस्टर का मिला है, ठीक है जी। इसको ट्रांसिस्टर को निकालने से ये अब हमारा ना तो इसका ऑडियो ख़राब निकला, ठीक है जी, ना इसमें कोई और चीज़, ये इसका ट्रांसिस्टर ख़राब था इसलिए ये इसकी अब आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसकी फिटिंग करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक करता हूँ। ये अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, नहीं मिलूंगा जो 70 रुपए की दे रहे थे, ये इसकी अब आवाज़ कम होने लगी है। और ये अगर 60,000 टन है, ये 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है जो सीधी किसी की जेब में गई है। ये अब हमारा टीवी ठीक हो चुका है, इसमें फॉल्ट सिर्फ वो ट्रांसिस्टर का मिला है, इसमें और कोई चीज़ ख़राब नहीं थी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।